इसका हम सातवन मेरिकल करते हैं इसमें नबीला यूज अ मिरर मिररर डूइंग हर मेकअप द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थर्टी एट सेंटीमीटर डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं ट्वेल्व पॉइंट सेवन डेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया मैं कनकेव मिरर का थर्टी एट सेंटीमीटर आर इज इक्वल टू थर्टी एट सेंटीमीटर पहले कह रहा है वट इज़ द फोकल लेंथ फोकल लेंथ फाइंड करनी होता है मिरर। लोकेटेड फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। यानी कि पी तो है वो है फिफ्टी सेंटीमीटर वेयर विल बी द इमेज अपीयर और हमने क्यू फाइंड करना है और साथ में फोकल लेंथ एफ फाइंड करनी है और विल द मीर इमेज बी अपराइट और इनवर्टेड अच्छा टू फाइंड सबसे पहले उसने हमें कहा था फोकल लेंथ फाइंड करने बाद में इसने कहा था लोकेशन यानी कि क्यों फाइंड करें और तीसरी बात है कि जो नेचर है उसकी इमेज की वो फाइंड करनी है सोलूशन स्टार्ट करते हैं इसका जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू तो आर बाय टू सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू तो आर हमें दिया गया थर्टी एट ओवर टू फोकल लेंथ हमारे पास आ गई नाइन्टीन सेंटीमीटर ये चीज़ हो गई हमारे पास क्यू है इसको हम लेंजला के फार्मूले से करेंगे वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू फोकल लेंथ हमारे पास आ गया वन ओवर नाइन्टीन इज इक्वल टू वन ओवर पी ए में दिया गया है फिफ्टी प्लस वन ओवर क्यू ये वन ओवर फिफ्टी के साथ माइनस हो जाएगा आगे वन ओवर नाइन्टीन माइनस वन ओवर फिफ्टी इज टू वन ओवर क्यू वन ओवर क्यू इज इक्वल टू नाइनटीन इंटू फिफ्टी और ऊपर आ जाएगा फिफ्टी माइनस नाइनटीन एलसीएम लिया यहाँ पर वन ओवर क्यू इज इक्वल टू फिफ्टी माइनस नाइनटीन थर्टी वन ओवर नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी नाइन फिफ्टी वन ओवर क्यू इज इक्वल टू थर्टी वन डिडिड बाय नाइन फिफ्टी जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू सिक्स ये जो क्यू है यहीं पर रह जाएगा और वन ओवर जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू सिक्स वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू सिक्स ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू थर्टी पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर ये पॉजिटिव आई है हमारे पास वैल्यू इसलिए जो इसका होगा वो इन्वर्टेड होगी इमेज इसका हम आर्टफोन मेरिकल करते हैं एन ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर इज हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें दी गई है ट्वेल्व पॉइंट एट डेटा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है फोर सेंटीमीटर यानी कि एच ओ फोर सेंटीमीटर इज़ प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंथ कन्वेक्स लेंथ इसलिए इसकी फोकल लेंथ और जो पी सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा पी हमें दिया गया ट्वेल्व सेंटीमीटर हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ एट सेंटीमीटर फोकल लेंथ एट सेंटीमीटर कैलकुलेट द पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज टू फाइंड पोजिशन यानी कि हमने क्यू फाइंड करना है इसमें और साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है हमने सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्यू फाइंड कर लेंगे लेंज ला के फार्मूले से और दूसरा हाँ, एच हाँ आई और एच ओ इज इक्वल टू क्यू और पी से हम हाइट ओफ इमिज फाइंड कर लेंगे वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू क्यू फाइंड करना ऐसे ही रह जाएगा वन ओवर एफ हमें दिया गया फ्रीक्वेंसी है एट सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन ओवर पी हमें दिया गया है ट्वेल्व प्लस वन ओवर क्यू वन ओवर ट्वेल्व इतना आके माइनस हो जाएगा वन ओवर एट माइनस वन ओवर ट्वेल्व इज ईक्ल टू वन ओवर क्यू वन ओवर क्यू इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा हमारे पास एट और ट्वेल्व ऊपर आ जाएगा ट्वेल्व माइनस एट वन ओवर क्यू इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एट फोर ओवर ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फोर ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई एट नाइन्टी सिक्स वन ओवर क्यू इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई नाइन्टी सिक्स वन बाई ट्वेंटी फोर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ये मेरे पास क्यू आ गया अब हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू हमारे पास आया ट्वेंटी फोर और पी हमें दिया गया ट्वेल्व ये तो यहाँ से आ गया टू हाइट ऑफ इमेज ओवर फोर इज इक्वल टू टू दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फोर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर ये इसका आंसर इसके अब हम नोवन अमेरिकल करते हैं एन ऑब्जेक्ट टेन सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कंकेव लेंथ की फोकल लेंथ जो है वो हमारे ने पास नेगेटिव आ जाएगी डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं ट्वेल्व पॉइंट नाइन डेटा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई टेन सेंटीमीटर यानी कि एच ओ इक्वल टू टेन सेंटीमीटर इसके बाद प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी कि पी ट्वेंटी सेंटीमीटर फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर माइनस फिफ्टीन आ जाएगा कनकेब की वजह से कैलकुलेट द पोजिशन हमने क्यू निकालना है इसका टू फाइंड क्यू फाइंड करना है इसमें एंड द साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है हमने ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज यानी कि नेचर भी हमें बतानी है इसमें क्या है सोलूशन स्टार्ट करते हैं इसका लेंथ ला के फार्मूले से हम क्यों निकाल लेंगे वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन ओवर पी पीएम दिया गए ट्वेंटी प्लस वन ओवर क्यू यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा इसके साथ वन ओवर माइनस फिफ्टीन माइनस वन ओवर ट्वेंटी इज इक्वल टू वन ओवर क्यू इसका हम एल्सीम ले लेंगे वन ओवर क्यू इज इक्वल टू नीचे एलसीम इसका सिक्सटी कर लेंगे ऊपर आ जाएगा माइनस फोर इसका आ जाएगा माइनस थ्री वन ओवर क्यू इज़ इक्वल टू माइनस सेवन ओवर सिक्सटी वन ओवर क्यू इज़ इक्ल टू माइनस सेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटी माइनस ज़ीरो पॉइंट वन वन सिक्स सिक्स क्यू इज इक्वल टू यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा वन ओवर माइनस जीरो पॉइंट वन वन डबल सिक्स क्यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आंसर माइनस एट पॉइंट फाइव सेवन सेंटीमीटर ये क्यू आ गया ये जो इसका क्यू है ये कंकेव लेंस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा क्यू आ जाएगा पॉजिटिव एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसके बाद हमारा हाइट ऑफ तो ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ तो इमेज ओवर हाइट ऑफ तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू तो क्यू ओवर पी हाइट ऑफ तो इमेज हमें फाइंड करनी है ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दी गई है टेन इज इक्वल टू क्यू हमारे पास है एट पॉइंट फाइव सेवन डिवाइडेड बाय पी हमारे पास है ट्वेंटी हाइट ऑफ इमेज ओवर टेन इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर टू एट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई इसको टेन से कर देंगे फोर पॉइंट टू एट सेंटीमीटर इसकी हमने नेचर बतानी थी तो ये सबसे पहली बात ये कि विचुअल इमेज बनेगी दूसरा ये जो होगी इरेक्ट होगी यानी कि सीधी खड़ी होगी और तीसरी बात ये डिमिनिश्ड होगी